मैं इस सर आप हमारा थंबनेल लेके मेरे लाडलो आप समझ गए होंगे जो आज का जो सेशन है करंट अफेयर्स का है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम से जी हाँ। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी। तो सवाल की ओर आते हैं कि 18 अप्रैल कितना अप्रैल बताए 18 अप्रैल जी याद रखिएगा कि 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। क्या बताए विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है जी याद रखिएगा या तो विरासत दिवस बोल लो या तो विश्व धरोहर दिवस बोल लो। क्या बताया या तो विरासत दिवस बोल लीजिए या तो विश्व धरोहर दिवस बोल लीजिए या स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस बोल लो। स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस बोल लो। देखो या इसी दिवस को वर्ल्ड हेरिटेज डे भी कहा जाता है जी याद रखिएगा 18 अप्रैल कितना अप्रैल बताए 18 अप्रैल। हमको कमेंट में बताओगे कि 14 अप्रैल को कौन सा राज्य का दिवस मनाया जाता है स्थापना दिवस जी हाँ। और याद रखिएगा कि स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के नाम से भी जाना जाता है। पहला बात या तो सवाल पूछेगा कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है 18 अप्रैल या तो पूछ देगा विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है तो 18 अप्रैल या तो पूछ देगा स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है तो क्या होगा मेरे लाडलो 18 अप्रैल जी। और याद रखिएगा इसका उद्देश्य क्या है कुछ तो उद्देश्य होगा ना चला इसका उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े क्या बोले मानव सभ्यता से जुड़े कौन सा स्थल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल स्थल मतलब प्लेस जी के संरक्षण प्राप्ति क्या बोले के संरक्षण प्राप्ति जागरूकता लाई जा सके क्या लाना चाहिए जागरूकता लाई जा सके जी। और याद रखिएगा पहली बार ट्यूनिशिया में 18 अप्रैल 1982 को कब बोले 18 अप्रैल 1982 को यह दिवस मनाया गया था कहाँ ट्यूनिशिया में जी। और याद रखिएगा 18 अप्रैल 1978 क्या बता रहे हैं 18 अप्रैल 1972 को याद रखिएगा ऐतिहासिक 12 स्मारकों की सूची जारी की थी। क्वेश्चन पूछ देता है यूपीएससी में कि 18 अप्रैल 1978 को ऐतिहासिक स्थलों में कितने स्मारकों की सूची जारी किया गया था 12 कितना बताया मैं लड़ लो 12 जी। और याद रखिएगा यूनेस्को बड़ी पूछता है बाबू ये यूपीएससी में ज़्यादा पूछा हुआ सवाल है जी सांस्कृतिक और कल्चर वाला जो सवाल है तो यूनेस्को ने इसे कब मान्यता दिया था 1983 में मान्यता दिया कब दिया यूनेस्को ने इसे मान्यता कब दिया 1983 में मान्यता दिया जी। और याद रखिएगा इसका शुरू में शुरुआती दिनों में प्रारंभिक इसका नाम क्या था है ना तो याद रखिएगा विश्व स्मारक और पुरातत्व स्थल दिवस क्या बताए विश्व स्मारक और पुरातत्व स्थल दिवस है ना शुरुआती दिनों में इसे कहा जाता था किसको विश्व विरासत दिवस को जी। और यूनेस्को ने इसको मान्यता कब दिया तो यूनेस्को ने इसे मान्यता याद रखिए मेरे लाडो 1983 में दिया कब दिया 1983 में। 2023 का थीम क्या है थीम बहुत पूछता है बाबू क्या बताएं थीम बहुत ही ज़्यादा पूछता है तो याद रखिएगा विरासत परिवर्तन के विषय में तहत मनाया जाता है मनाया जाएगा क्या बताएं विरासत परिवर्तन क्या बताएं विरासत परिवर्तन के विषय के तहत मनाया जाएगा जी। और याद रखिएगा बोलेगा कौन सा सम्मेलन के द्वारा यूनेस्को ने इसको मान्यता दिया था तो 22वें इसके सामान्य सम्मेलन के दौरान दिया था कौन सा सम्मेलन बोले 22वें सम्मेलन कौन सा सम्मेलन बताए मिल लो 22वें सम्मेलन हाँ। और याद रखिएगा इस दिवस को वर्ल्ड हेरिटेज डे कहा जाता है क्या कहा जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे किसको विश्व विरासत दिवस को विश्व धरोहर दिवस को विश्व याद रखिएगा स्मारक और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को प्रारंभिक नाम क्या बताया मेरे लाडलो विश्व स्मारक और पुरातत्व स्थल जी। कारण क्या है इस दिवस को मनाने का कारण क्या है देखते हैं दुनिया भर में सांस्कृतिक विरासत के महत्व को बढ़ावा देना किसके महत्व को बढ़ावा देना सांस्कृतिक विरासतों को याद रखिएगा महत्व को बढ़ावा देना विरासतों के महत्व को क्या देना बढ़ावा देना कौन सा सांस्कृतिक है ना विरासत और विविधता के प्रति लोगों को विविधता के प्रति लोगों की क्या करना चाहिए जागरूकता
फैलाना चाहिए जी। और याद रखिए इस दिवस का आयोजन तो कोई करेगा ना जी, हाँ, तो आयोजन कौन करता, ICOMOS। ये बड़ी हमको कमेंट में बताओगे क्या कि ICOMS का पूरा नाम क्या है, किसका, ICOMS का, याद रखिएगा। हाँ, और यही क्या करता है, इसको आयोजन करता है। और ICOMOS सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण और सुरक्षा हेतु कार्य करता है ना। विरासत स्थलों का संरक्षण कौन करता है, सुरक्षा कौन करता है ना, इसकी जितना भी तो जुड़ा हुआ बातें है ICOMOS करता है, ठीक है। और 2022 का थीम क्या था, किसका, विश्व विरासत दिवस का। तो याद रखिएगा विरासत और जलवायु, क्या बताया मेरे लाडलो, विरासत और जलवायु। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर आपको पसंद हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, थैंक यू।